हजाल काया को फेम टर्किश सीरीज द गर्ल नेम फेरिहा में फेरिहा के रोल से मिली थी, पर बुराक डेनिस के अपोजिट हमारी कहानी ड्रामा ने उनकी लाइफ पूरी तरह बदल कर रख दी और आज हजाल को केवल टर्की में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड हर कोई जानने लगा है। पर कौन है हजाल काया और क्यों वो इतनी सक्सेसफुल होने में कामयाब हो पाई? उनकी अर्ली लाइफ, स्कूलिंग से लेकर करियर लाइफ, उनकी 3 रिलेशनशिप्स से लेकर उनकी मैरिड लाइफ तक की जर्नी मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। हजाल काया, जिन्हें हजल काया नाम से भी सब पुकारते हैं, पर उनके नाम की रियल प्रोनाउंसिएशन हजाल काया है। वैसे उनका पूरा नाम लैला हजाल काया है। यदि मैं इस वीडियो में कहीं भी प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड मिस्टेक करूं, तो प्लीज उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे टर्किश एक्टर्स के नाम प्रोनाउंस करने में बहुत दिक्कत होती है। हजाल काया का जन्म 1 अक्टूबर 1990 में इस्तांबुल टर्की में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गैजियो मनपेसा एलिमेंट्री स्कूल से कम्प्लीट की और फिर 2009 में इस्तांबुल के लीसियो इटालियन डी से अपनी ग्रेजुएशन की और अपनी हायर स्टडीज के लिए उन्होंने इस्तांबुल बिल्गी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हजल काया के पेरेंट्स दोनों ही लॉयर्स हैं, पर जब वो सिर्फ 7 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और तभी से वो अपनी माँ के साथ ही रह रही है। उनका बचपन काफी टफ फेज से गुजरा, पर तभी से उनके ग्रोथ एंड टैलेंट की पहचान होने लगी थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी से उन्हें एक्टिंग एंड आर्ट से बहुत लगाव था और उसी टाइम से उनको एक्टिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया गया था और बचपन में करीब 7 साल तक वो बैले डांसिंग और वायलिन ट्रेनिंग भी ले चुकी है। पर कुछ टाइम पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी माँ के बाल काटते हुए पिक शेयर की थी एंड रिवील किया था कि उनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है। वो अपने माँ के काफी क्लोज रही हैं और वो काफी सैड फोटो थी। पर बाद में हजल काया ने अनाउंस किया कि उनकी मदर कैंसर को हरा चुकी है और आज वो बिल्कुल ठीक है। वैसे हजाल इस्लाम रिलीजन फॉलो करती है। टर्किश लोग अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते रहे हैं, साथ ही अपनी नेटिव लैंग्वेज पर प्राउड भी लेते हैं, इसीलिए ही वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने पर इतना फोकस नहीं किया जाता। पर तब भी टर्किश शोज का इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाना नो डाउट वहाँ के एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रखता जा रहा है, जहाँ काफी टर्किश एक्टर्स या तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते या फिर टूटी फूटी इंग्लिश ही बोल पाते हैं। वहीं हजल काया बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश एंड इटालियन लैंग्वेज बोल लेती है और वो अपने काम को और आगे ले जाना और हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाना चाहती है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि हजाल 4th लैंग्वेज जर्मन सीखने पर भी फोकस कर रही है। हजाल के करियर की शुरुआत ईयर 2006 में टीवी सीरीज जैनको से हुई थी, जिसमें उन्होंने ऑजगी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया था। इस ड्रामा की स्टोरी एक प्रोफेशनल पियानो प्लेयर लड़के पर बेस थी, जो 1999 में यलोवा अर्थक्वेक में अपनी पूरी फैमिली को खो देने के बाद एक नई लाइफ स्टार्ट करता है। इसके बाद ईयर 2008 में उन्होंने आस्की मेनू नाम के एक रोमांटिक नोवेल पर बेस्ड टीवी सीरीज में निहाल जियागिल नाम का रोल निभाया था और 2011 में अपना टर्किश मूवी डेब्यू कालगी संगी मूवी से किया। ये वो ही टाइम था जब उन्होंने फेमस टर्किश सिंगर एंड एक्टर आयला अलगन से ड्रामा में ट्रेनिंग लेना शुरू किया और मॉडर्न एक्टिंग टेक्निक सीखने के लिए वर्कशॉप्स भी अटेंड की। इन वर्कशॉप्स का असर हजाल की एक्टिंग में भी जल्दी ही दिखने लगा और उसका रिजल्ट आज सभी के सामने भी है। इसके जस्ट बाद ही हजाल को द गर्ल नेम्ड फेरिहा में बतौर लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया गया था। इस शो में उन्होंने फेरिहा नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था, जो अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे पॉपुलर एंड रिच लड़के अमीर के प्यार में पड़ जाती है और ये सीरीज को टर्की में हाईएस्ट रेटिंग मिली थी, जो आज तक भी बरकरार है। और इस शो के दोनों ही सीजन बहुत पॉपुलर रहे। पर इस शो को हजाल ने आखिर क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी, जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। हजाल की पॉपुलैरिटी गेन कर लेने के बाद उन्हें बिंगो के एड में अपनी माँ एजे गुल काया के साथ भी काम करने का मौका मिला। ईयर 2012 के एंड में हजाल ने द गर्ल नेम्ड फेरिहा सीरीज को छोड़कर एक न्यू टर्किश सीरीज सन याज ज्वाइन की, पर लो रेटिंग की वजह से कुछ ही एपिसोड्स के बाद ये सीरीज एंड कर दी गई। इसके बाद एएसके और मराल नाम की 2 टीवी सीरीज के खास पॉपुलर न होने के बाद उन्होंने हमारी कहानी टीवी सीरीज ज्वाइन की। ये शो अमेरिकन टीवी सीरीज शेमलेस का टर्किश वर्जन है, जिसमें उन्होंने फेमस टर्किश एक्टर बुराक डेनिस के अपोजिट फिलिज नाम का रोल प्ले किया था और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये उनकी लाइफ का मेजर हिट शो रहा है और आज हजाल काया का नाम टर्की की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल है। पर इतना ही नहीं, ईयर 2014 में हजाल का नाम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी रहा था और उन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंस कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट में मेडल भी दिया जा चुका है। साथ ही यूएई बेस्ड एमबीसी चैनल ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसमें
भी हजल मोस्ट एडमायर्ड टर्किश वुमेन की लिस्ट में फोर्थ पोजीशन पर रही थी और इसके अलावा भी वो 35 डिफरेंट कंट्रीज में सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस और 2016 की वर्ल्ड्स मोस्ट एंड ब्यूटीफुल वुमेन की लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पर रह चुकी है। ऐसे ही काफी अवार्ड्स हजल काया काफी यंग एज में अचीव कर चुकी है, जिसका क्रेडिट उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी आईज और इनोसेंट स्माइल पर भी जाता है। पर जितना मैंने अभी उनके बारे में बताया, इससे भी कई ज्यादा टीवी सीरीज एंड टर्किश फिल्म्स, टीवी कमर्शियल्स एंड म्यूजिक वीडियोस का भी वो पार्ट रह चुकी है। अब बात कर लेते हैं उनकी लव लाइफ की। हजल काया ईयर 2013 से फेमस टर्किश एक्टर, म्यूजिशियन एंड डायरेक्टर अली आते को डेट कर रही थी और दो साल पहले ही ईयर 2019 में दोनों ने शादी की और आज उनका एक प्यारा सा बेटा भी है जिनका नाम फिकरत अली आते है। माना जाता है कि दिसंबर 2013 से दोनों के अफेयर की शुरुआत हुई थी और अली एज में हजल से 14 ईयर्स बड़े हैं। हजल को डेट करने से पहले अली टर्किश डांसर एंड कोरियोग्राफर एब्रू से 5 ईयर्स तक मैरिड थे, बट 2013 में दोनों का डिवोर्स हो गया था। वहीं हजल जब 19 साल की थी तब वो टर्किश एक्टर एल्पर के साथ एक साल तक ईयर 2009 में रिलेशनशिप में थी। एल्पर को डेट करने के बाद वो टर्किश फोटोग्राफर चितबाहा पार से सितंबर 2010 से मार्च 2012 तक रिलेशनशिप में रह चुकी है और उसके बाद 2012 में टर्किश एक्टर सार्प बोजकर्ट के साथ भी उनका नाम जुड़ा था। और माना जाता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से दोनों 2013 में अलग हो गए। वैसे बाद में उनका नाम स्टंट मूवी में उनके को स्टार रह चुके कागते उलुसोए के साथ भी खबरों में था, बट दोनों ने इसे केवल रूमर्स बताया था। फिर फाइनली उनकी मुलाकात उनके हस्बैंड अली आते से हुई। जब दोनों पहली बार मिले थे उस वक्त हजल 23 साल की थी और अली 37 साल की, पर दोनों की बॉन्डिंग देखकर दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत खुश दिखते हैं और देखा जाए तो बस यही मैटर करता है। पर फिर भी हजल के कुछ फैंस को उनकी जोड़ी पसंद नहीं आती। हजल बताती है कि उनके बेटे के आने के बाद से वो और भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल बन गई है और बचपन में हजल भी हूबहू अपने बेटे की तरह ही दिखा करती थी। हजल 18th मुंबई फिल्म फेस्टिवल में इंडिया भी आ चुकी है और उनके फेवरेट इंडियन एक्टर्स हैं आमिर खान, दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा। और क्योंकि वो ईस्टर्न टर्की से है तो वहाँ स्पाइसेस को काफी पसंद किया जाता है और हजल को कुकिंग भी बहुत पसंद है, इसलिए वो स्पाइसी इंडियन फूड भी बहुत पसंद करती है। द गर्ल नेम्ड फेरिहा के फर्स्ट सीजन में फेरिहा के कैरेक्टर को भी एंड किए जाने के बारे में हजल बताती है कि इस सीरीज के मेकर्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। दरअसल इस शो के मेकर्स ये शो इसी सीजन में एंड कर देना चाहते थे, इसी वजह से हजल ने दूसरा शो साइन कर लिया। पर जब मेकर्स ने डिसाइड किया कि फेरिहा को कंटिन्यू किया जाएगा तब तक वो दूसरे शो से कमिटमेंट कर चुकी थी और इसीलिए फेरिहा की सैड एंडिंग ही दिखाई गई। हजल और उनके को स्टार रह चुके बुराक डेनिस को लेकर भी काफी रूमर्स वायरल थे कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। हजल कहती है कि इंडिया में उन्हें किस तरह पसंद किया जाता है उन्हें इस बात का एहसास यहाँ आने के बाद ही हो पाया, पर हजल को केवल इंडिया ही नहीं बल्कि कई देशों में बेहद पसंद किया जा रहा है एंड होपफुली वो आगे भी प्यारे प्यारे शोज में आती रहे और इसी तरह उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ती जाए। इसी होप के साथ मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगी। आप और कौन से टर्किश एक्टर की लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।